हाय फ्रेंड्स, तला तलल के किचन में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और आज आप जो रिजल्ट मेरे साथ सीखने वाले हैं उसका नाम है क्लासिक चॉकलेट फोंड्यू। तो चलिए ये चॉकलेट फोंड्यू बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए पहले एक ब्रॉड नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा बटर गरम करेंगे। बटर मेल्ट होते ही उसमें थोड़ा सा मैदा डालकर उसे कुछ सेकेंड के लिए भूनना है। फ्लेम को मीडियम पर रखना है। यहाँ पर फिर उसमें बाकी के सब इंग्रेडिएंट्स डालने हैं एक एक करके। पहले है दूध, चॉप की हुई चॉकलेट, कोको पाउडर, ये एक एडिशनल चॉकलेटी फ्लेवर देता है, फ्रेश क्रीम जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है यहाँ पे, शक्कर और पानी। इन सबको अच्छे से मिक्स करके लगभग 4 से 5 मिनट तक पकाना है। इस समय भी फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है। इसे इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी गड्ढे नहीं रहने चाहिए। फोंड्यू तो एकदम स्मूथ और क्रीमी ही अच्छा लगता है। और ये 4 से 5 मिनट जब आप सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके पका रहे हैं तो इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। 3 मिनट हो गई है और आप देख सकते हैं कि ये फोंड्यू का मिक्सचर थोड़ा सा गट हो रहा है। अब और 1 या 2 मिनट इसे पकाएंगे। ये फोंड्यू की रेसिपी पार्टी के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट और क्विक रेसिपी है। इसमें आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, 5 मिनट तक कुक करना है और आपका डेजर्ट हो जाएगा तैयार। और 5 मिनट होते ही इसका लास्ट इंग्रेडिएंट है वेनिला एसेंस, जो सिर्फ हमें मिक्स कर देना है। गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और वेनिला एसेंस को इस मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है अपना चॉकलेटी डेजर्ट सर्विंग के लिए। तुरंत ही इसे एक सर्विंग प्लेट में सर्व करना है। और अब इसे किसके साथ सर्व करेंगे? यहां पे मैं मार्शमेलोज लेने वाली हूं और आप चाहे तो इसे स्पॉन्ज केक के पीसेस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे सजा दीजिए। तो हो गया है अपना ये डेजर्ट तैयार। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इसे तुरंत ही परोसना है और फिर देखिए कि आपके मेहमान इसे कैसे झटपट फिनिश कर देते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे तला तलल के किचन में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय। Download the Tala Dalal app on your Apple and Android devices. Follow us on the Facebook and taladalal.com. If you enjoy our recipes, click like. To see more of my recipes, click here. Please share your comments. I would love to hear them. I'm waiting for them.